News 18, India. नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे अहम खबर के साथ शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुलंदशहर में 2024 का बिगुल फूंक दिया है। विकास की सौगात के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी का भी ऐलान कर दिया। पश्चिम यूपी में करीब 20 हजार करोड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी सौगात दी। ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। दरअसल पीएम मोदी ने किसान, गरीब और महिलाओं को लेकर कई बड़ी अहम बातें यहां पर कही हैं, वो आपको डिटेल से जरूर बताएंगे। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि उनकी गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव पहुंच रही है, यानी कि गांव गांव पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है कि सबका साथ सबका विकास। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में बड़ी बातें कही। पीएम ने कहा कि आज बुलंदशहर में चुनावी बिगुल नहीं बल्कि विकास का बिगुल फूंक गया है। मोदी तो विकास का बिगुल फूंकता रहता है, मोदी तो समाज के आखिरी व्यक्ति के कल्याण के लिए बिगुल फूंकता रहता है। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में भी बुलंदशहर से चुनावी शंखनाद किया था और 10 साल बाद यानी कि आज मौजूदा वक्त में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बुलंदशहर को ही चुना। पश्चिमी यूपी की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी के साथ तेज विकास का संकल्प एक बार फिर से दोहराया। आज देश मोदी की गारंटी को गारंटी पूरा होने की गारंटी मानता है, क्योंकि हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है कि सरकार की योजना का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचे। इसलिए मोदी सैचुरेशन की गारंटी दे रहा है, 100% की गारंटी दे रहा है। और बिहार में खेला हो गया। बड़े बड़े शब्दों में जो इस वक्त मेरे पीछे लिखा है उसे बेहद गौर से देख लीजिए, क्योंकि इसी को लेकर बहुत बड़ी खबर बिहार से। दरअसल बिहार में बदल रहे सियासी हालात के बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ बेहद खास बैठक हुई। ये बैठक बिहार को लेकर हुई है, बिहार की सियासत को लेकर हुई है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में खटपट की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक अहम बैठक हुई है। तो बुधवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये अहम बैठक यहां पर की गई है। दरअसल बिहार में जिस तरह का सियासी झोला चल रहा है उससे कहीं खेला ना हो जाए, और क्या कुछ सियासी रणनीति यहां पर आगे बनाई जा सकती है, क्या एक बार फिर से जोड़ तोड़ की जो राजनीति बिहार की सियासत में देखने को मिलती रही है, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो राहें किसी वक्त में अलग थी जो एक बार फिर से एक हो गई थी और जिसमें कई उतार चढ़ाव बिहार की जनता ने देखा है, देश की सियासत ने देखा है, क्या इस पर प्रश्न चिन्ह एक बार फिर से खड़ा हो गया है? तो बिहार में क्या वाकई खेला हो गया? और अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आने वाले जो चुनाव होंगे वो बेहद दिलचस्प हो जाएंगे। और इसी को लेकर बताया भी जा रहा है कि बिहार में जो कुछ भी चल रहा है, सियासी तौर पर जो भी उबाल है, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की।